हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अभिजीत गजापुरकर फ्रॉम नेशनलिस्ट स्टूडेंट्स कांग्रेस मुंबई, राष्ट्रवादी विद्यार्थी कांग्रेस मुंबई। आप सभी जानते हो कि मुंबई यूनिवर्सिटी अपने ट्रेडिशनल कोर्सेज के स्टूडेंट्स की एग्ज़ाम ऑनलाइन तरीके से ले रही है। वहीं पे कुछ ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटीज़ और प्रोफेशनल कोर्सेज की एग्ज़ाम ऑफलाइन तरीके से होने वाली है। कुछ दिन पहले कुछ कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स हमारे पास आए और हमें बोलने लगे कि सर, ट्रेडिशनल कोर्सेज की तरह हमारी भी एग्ज़ाम मुंबई यूनिवर्सिटी की तरह ऑनलाइन ही की जाए। हमने उन्हें यूनाइट किया और उनके प्रिंसिपल से, मैनेजमेंट से बात करी है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ के प्रिंसिपल ने, मैनेजमेंट ने हमारी बात सुनी, हमारे पॉइंट्स उन्हें अच्छे लगे और उनकी एग्ज़ाम ऑनलाइन करिए। उसी तरह दो दिन पहले जय हिंद के कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे कॉन्टैक्ट किया। हमें बोला गया कि सर, आपने एक दो यूनिवर्सिटीज़ में करा हुआ है तो प्लीज़ हमारे यूनिवर्सिटी में, हमारे कॉलेज में भी आ जाइए और हमारी भी एग्ज़ाम हो सके तो ऑनलाइन करिएगा। स्टूडेंट्स काफ़ी स्ट्रेस में हैं। मैंने उन स्टूडेंट्स को बता दिया कि सर, आपने ऑलरेडी बहुत लेट कर दिया है, एक दो दिन के बाद पेपर्स है, मैनेजमेंट नहीं मानेगी और दूसरी बात, आप में यूनिटी नहीं है। आपके 700-800 स्टूडेंट्स हैं फाइनल ईयर के लिए और आप 4 से 5 जन ही हैं जो मुझे अप्रोच कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि नहीं सर, आप जब कॉलेज में आओगे तो कम से कम 250 से 300 स्टूडेंट्स वहाँ पे अवेलेबल होंगे आपके लिए। दो दिन पहले हमारी शाम को मीटिंग भी हुई, उसमें भी यही बताया गया। मैंने मीटिंग में गाइड किया, एक पेरेंट ने भी गाइड किया और स्टूडेंट्स ने मोटिवेट होके बोल दिया कि हम 250 से 300 आएंगे। मैंने उस वक्त ये भी क्लियर किया था कि ऑलरेडी हमें बहुत लेट हो चुका है, शायद मैनेजमेंट नहीं मानेगी, बस आपकी यूनिटी ही है जो शायद मैनेजमेंट को अपना डिसीजन चेंज करा सकती है। मैंने साथ में ये भी बोला था, अगर 100 से कम बच्चे रहेंगे तो मैं प्रिंसिपल से नहीं मिलूँगा। उसी तरह के से हम लोग दूसरी सुबह कॉलेज में गए। कॉलेज के बाहर मैंने देखा काफ़ी स्टूडेंट्स थे लेकिन काफ़ी नहीं थे। जैसे मुझे बताया गया था कि 250 से 300 स्टूडेंट्स आएंगे लेकिन उतने नहीं थे, लगभग 100 स्टूडेंट्स कुछ प्रेजेंट थे। मेरे साथ राष्ट्रवादी विद्यार्थी कांग्रेस मुंबई के अध्यक्ष एडवोकेट प्रशांत ड्यूटी जी भी थे। हम दोनों ने कॉलेज के प्रिंसिपल वाड़िया साहब से मीटिंग करी, उनके सामने हमारे पॉइंट्स रखे, लेकिन उन्होंने भी बता दिया कि अब हमारी मशीनरीज वगैरह काम पर लग गई है, ऑनलाइन एग्ज़ाम अभी पॉसिबल नहीं है। लेकिन उसके बाद हमने उन्हें कुछ काउंटर करा कि कुछ जिनके अकोमोडेशन का प्रॉब्लम है, हमने बताया कि सर, 35,000-40,000 लोगों से चार्ज किया जा रहा है, तो उसके ऊपर भी सर ने बोला कि मैं वो देख के वो पैसे कम करूँगा या फिर उतना चार्जेस ना लगे। कुछ चीज़ें होती है गाइस जो ब्लैक एंड वाइट में लिख के नहीं दी जा सकती, तो सर ने हमें आश्वासित किया है कि ऐसा स्टूडेंट के साथ ज़्यादती नहीं होगी। और मेरी सभी स्टूडेंट से यही विनती है कि कृपया करके अपनी स्टडीज़ पे फोकस करो और अपना फाइनल ईयर क्लियर करो। थैंक यू।